जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग तैयारी अच्छी चल रही है ना। और आपका जो सेशन चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था संविधान का। और संविधान में हमने आपको दोस्तों क्या बताया था, संविधान में आपको मैंने बता दिया था कि देखिए, संसद के बारे में आपको बताया था कि जो संसद होता है इसका 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहले मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति है, फिर मैंने क्या बताया था, राज्यसभा, और हमने क्या बताया था, फिर लोकसभा। इतना आपको मैंने दोस्तों बता दिया था कि इतने आपको पॉइंट से बनता है। और इसका वर्णन आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि ये किसमें था, 79 में वर्णन था, इसका 62 में वर्णन था, इसका 80 में वर्णन था, और इसका 81 में वर्णन था। मतलब ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद है आपके, कि ये इसका वर्णन इसमें हुआ था दोस्तों। आपको मैंने इतना बता दिया था, इसके बारे में पहले से पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, लोकसभा को। लोकसभा है जो दोस्तों, लोकसभा में आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो वर्णन है इसे बोलते हैं, यानी कि हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, हाउस ऑफ पीपुल। और मैंने बताया था जो हाउस ऑफ पीपुल होता है दोस्तों, वो लोकसभा जो होता है इसका वर्णन अनुच्छेद किसमें है, 81 में। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम सदन। इसे क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, अस्थाई सदन होता है। जैसे मैं अस्थाई सदन मैंने बताया था कि जो राज्यसभा होता है ये अस्थाई सदन है, ये अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपका लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है दोस्तों। क्या है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन। अर्थात क्या बोलते हैं, पॉपुलर, पॉपुलर हाउस। ये आपका पॉइंट आपको किससे संबंध में याद रखना है दोस्तों, हमें ये याद रखना है लोकसभा के संबंध में, यानी कि ये कैसे क्या बोला जाता है। आपके पॉइंट याद होने चाहिए दोस्तों कि हाँ, कि इसका पॉइंट ये है और ये वाला ऐसे होगा। फिर इसके बाद इसमें जो अधिकतम वर्तमान, देखिए इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों, 552 आपकी हो सकती है। लेकिन इस समय एक नियम था, अनुच्छेद 52 करने से 50, अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में सीटों की संख्या 543 है। ध्यान से देखना, वर्तमान समय में जो लोकसभा में सीटों की संख्या वो कितनी है, 543 है। इसे आप स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप, इसे बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इतना कह सकता हूं, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। इसका जो निर्वाचन होता है दोस्तों, निर्वाचन, तो लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे होता है,
मतलब इसके जो सदस्य थे उसका निर्वाचन जनता स्वयं प्रत्यक्ष द्वारा करती है। देखिएगा ध्यान से, ये आपको पॉइंट आपको याद है, जो इसकी योग्यता मैंने बताया था दोस्तों, योग्यता आपको याद होगा, मैंने बताया था कि योग्यता इसके आपका जो लोकसभा सदस्य का होता है, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही होता है, लेकिन इसमें उम्र का थोड़ा सा डिफरेंशियल होता है। पहला तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा दोस्तों, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका चुका, और इसमें मैंने कितना बताया था राज्यसभा में 30 वर्ष के, याद करिए, इस समय 25 वर्ष के और इसमें 30 वर्ष के, याद होगा आपको, अगर याद नहीं आप पीछे क्लॉज देखा करो आप लोग, ठीक है दोस्तों, बात समझ में, स्क्रीन शॉट लो, तुरंत आगे बताता हूं, स्क्रीन शॉट लो आपका, हो गया दोस्तों। देखो एक पॉइंट और यहां पर, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, क्या हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसकी योग्यता होती है दोस्तों, बात समझे। देखो यार गिरो नहीं, गिर का ही रहे हो भाई, देखो यहां कितना हो गया, अब सेट होता हूं, ध्यान देखना दोस्तों, जो इसमें पदाधिकारी होते हैं दो होते हैं, इसमें जो पदाधिकारी मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है इसका अध्यक्ष, एक क्या होता है उपाध्यक्ष। ध्यान देखना, जो ये होते हैं, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, वह देखो यहां पर लोकसभा के सदस्य अपने में से ही इनका चुनाव करते हैं, यानी कि ये नहीं है कि ये अलग से आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करता है, एक दूसरे के चुनाव करते हैं, और एक दूसरे की अनुपस्थिति में एक दूसरे के कार्यों का निर्वहन करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए उपाध्यक्ष नहीं है तो किसका हो, उस अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष तो ऑलरेडी करेगा, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र एक दूसरे को दे सकते हैं, एक दूसरे को देते हैं, लिख लेना देते हैं। अगर इसमें ये चाहे कि मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता हूं, तो ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष चाहता है कि मैं अपने पद पर नहीं रहूं, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। यदि इन दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, मतलब कि ये जो सदस्य चाहते हैं कि ये न रहे दोनों, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घपलाबाजी कर रहे हैं, तो इनके सदस्यों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले ही सूचना देना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना दिया जाना चाहिए, और लोकसभा में इसका जो बहुमत 2/3 से पारित हो गया, 2/3 से अगर पारित हो गया, तीसों को और इसको यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा,
ये बात याद रखना दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो पदाधिकारी मुख्य रूप से लोकसभा में क्या होते हैं, मुख्य रूप से कार्यकारी होते हैं, और इनका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है, और ये अपनी एक दूसरे की अनुपस्थिति में एक दूसरे के कार्यों का निर्वहन करते हैं, और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। अगर मान लो किसी कारणवश इसे लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, इसे दोस्तों इन सबको करते हैं कि क्या करें, इन सबको हटाना चाहते हैं। जब हटाना चाहेंगे तो कहेंगे लल्लू पंजू तुम सब अच्छे काम नहीं कर रहे हो, तुम सबको बहुत समझाने की जरूरत है, अगर समझाने की जरूरत है तो चलो तुम सब हटो यहाँ से। तो कहते हैं दोनों कि कौने बेस पर हटे हम, का कियो बताओ क्यों हटे हम। तो करते क्या है, जब अध्यक्ष होते हैं कहते हैं अभी बता रहा हूँ तुमको क्या किए हो तुम सब, तो करते क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और इसकी सूचना इन दोनों को कहते हैं 14 दिन पहले ही क्या कर सकते हैं, दे देते हैं कि तुमको 14 दिन बाद हटा के रखूंगा। तो हटा कर तो कैसे हटाओगे, तो कहते क्या है कि 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत का मतलब ये होता है मान लो 60 यानी कि है 245 चाहे 545 है। देखो ध्यान से, अगर मान लो 60 सदस्य हैं तो 2/3 का मतलब क्या है, यहाँ पर काट दोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 40 सदस्य अगर क्या कर दें विरोध कर दिए इन सबका, अगर इनका 2/3 सदस्य विरोध कर दिए इन दोनों की इनके तक यानी कि पद से हटा दिया जाएगा। बात समझे दोस्तों, ये आपने इनके पॉइंट को और इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन हुआ था, लोकसभा राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। जब 1952 में हुआ था ध्यान देखना, तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मालोंकर थे, जीवी मालोंकर यानी कि गणेश वासुदेव मालोंकर, और राज्यसभा के जो सभापति थे, राज्यसभा के उपसभापति कौन थे, पहले उपसभापति या प्रथम उपसभापति, उपसभापति या उपाध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है, उपसभापति राधा कृष्ण थे, यानी कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ये क्या थे, ये आपके आपके थे। आपको याद रखना है दोस्तों लोकसभा राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो आपका गठन कब हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था, और पहली अध्यक्ष अगर पूछते लोकसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी महिला अध्यक्ष, तो दो लोग का नाम आता है दोस्तों लोकसभा की पहली और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष नंबर एक पर आपके आते हैं, ध्यान देखना, महिला अध्यक्ष में मीरा कुमार और दूसरे पर सुमित्रा महाजन, कौन आते हैं, सुमित्रा महाजन, ये दो लोग थे जो इस पद को क्या करते थे दोस्तों सुशोभित करते थे। ये आपको पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ये क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर एक पॉइंट आपको याद रखना था, अगर इन दोनों के सदस्य ध्यान देखना दोस्तों, इन दोनों के राज्यसभा लोकसभा इन दोनों के सदस्य लगातार 60 दिन तक यदि अनुपस्थित रहते हैं, क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, अगर राज्यसभा लोकसभा इन दोनों के सदस्य लगातार 60 दिन तक क्या होते हैं, यदि अनुपस्थित रहते हैं, तो इनकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि 60 दिन से अगर अधिक अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट होते हैं
तो सदस्यता क्या हो जाएगी, मेंबरशिप यानी खत्म कर दिया, यानी कि सदस्यता क्या होगी, क्रॉस खत्म, क्या हो जाएगी, खत्म कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, तुरंत स्क्रीनशॉट लो आप, बात समझ में आई दोस्तों। चलो इसे हटाता हूं, देखना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखो यहां पर लोकसभा में, ध्यान देखना लोकसभा में, मैंने आप कई लोग का क्वेश्चन आ चुका कि सर वर्तमान समय में तो इसमें कितने हैं, 545 हैं, लेकिन आपने 543 ही क्यों बताया सदस्य, यानी कि सीटों की संख्या, यानी कितने सदस्यों की संख्या है, क्यों बताई। मैं आपको बताता हूं मैंने इतना क्यों बताया। लोकसभा में दो आंग्ल इंडियन या आंग्ल भारतीय का मनोनयन जो राष्ट्रपति करता था, कौन करता था, राष्ट्रपति करता था, उसे क्या किया गया, उसे अनुच्छेद, ध्यान देखना अनुच्छेद 331 से हटा दिया गया, मतलब हटा गया गया, मतलब कि अब इनका चुनाव क्या होगा, दो भारतीयों को, आंग्ल भारतीयों को नहीं लिया जाएगा। कब से, अनुच्छेद 331 से हटा दिया गया, ध्यान देना क्या कर दिया गया, हटा गया गया, और जनवरी 2020 से, ध्यान देखना कब हटाया गया, जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीय को लोकसभा के सदस्य से हटा दिया गया। अगर आपसे पूछता है क्यों हटा दिया गया, किसके कारण हटाया गया, तो जो आंग्ल भारतीय थे इनको क्या किया गया, राष्ट्रपति जो मनोनयन कर रहा था हटा दिया गया अनुच्छेद 331 के तहत, और कब हटाया गया, जनवरी 2020 से। दोस्तों ये पॉइंट पूरी समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, या इसी को बोलते हैं, ध्यान देखना स्पीकर भी बोलते हैं इसे, स्पीकर कौन है आपके, जो लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर है, ओम बिरला जी है। कौन है, ओम बिरला जी है। अगर पूछे कौथी क्या, तो 17वीं लोकसभा के, और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष थंबी दुरई है, यानी कौन है, थंबी दुरई जी है, थंबी दुरई जी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उपाध्यक्ष थंबी दुरई है और अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी है। आपका ये मैंने टोटल क्या कर दिया दोस्तों, लोकसभा को भी खत्म कर दिया हमने। देखो क्या पढ़ाया, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया, लोकसभा को पढ़ लिया, राज्यसभा को पढ़ लिया, संसद का वर्णन पढ़ लिया कि 69 में है, और ये पूरे कंडीशन को हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया दोस्तों। आपको पूरी क्लास समझ में आई कि नहीं दोस्तों, अगर समझ में आ गई होगी दोस्तों तो आप अपना क्या करिए, शेयर वाला और लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, और सेशन समझ में आता है दोस्तों तो कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपका क्लास आज यहीं रखता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।